तो थोड़ा सा कम चेक करो हो गया, इसलिए मेरे मायू बेटू को ऐसा हो गया। आप सैंडी सा जैसे क्या बोल रहे हो? राहुल, तो बहुत दिन बाद ऐसा एक एनर्जी लेके व्लॉगिंग स्टार्ट किए हैं। और अभी रात का बज रहा है, कितना बज रहा है ओम? रात का बज रहा है दस। और पहले वीडियो इसलिए नहीं कर रहे थे, व्लॉगिंग नहीं कर रहे थे कंटिन्यू, कल भी कोई व्लॉग नहीं डाल पाए। इसका रीजन हो रहा है मायरा का तबीयत खराब था, वो आप लोगों को देख के पता चल ही गया होगा। और जैसे कि मेरा मूड ही नहीं कर रहा था दो तीन दिन से वीडियो बनाने के लिए, एक तो रीजन ये है मायरा का तबीयत खराब है, और दूसरा आप लोग प्यार ही नहीं कर रहे हो, मेरे को कोई प्यार ही नहीं करता, सच्चा बोरिंग डे। आओ मारेंगे पकड़िए, मायरा को दिखाते हैं हम आप लोग को। एक सेकंड थोड़ा सा होल्ड करो। अरे देखो मायरा मामा कुदर, देखो सबको दिखा दे कि तुम क्या मुंह में लियो। अभी क्यों निकाली हो, फिर गुस्सा आ रही? मामा देखो ऐसे एक बार देखो तो। बोला अभी हम ठीक है, बोला अभी हम ठीक है। और आज मेरा अच्छा अच्छा फोटोशूट भी हुआ है, अगर आप लोगों को देखना है तो आप लोग मेरा इंस्टाग्राम आईडी पे जा सकते हो। आज मायरा को हम अच्छे से एक रेड रेड ड्रेस पहना के रेडी कर दिए थे, क्योंकि आज सुबह मतलब सुबह भी थोड़ा सा बुखार था, लेकिन उसके बाद दवाई मेडिसिन पढ़ने के बाद अभी वो ठीक है। उसके बाद अभी कंटिन्यू मेडिसिन डॉक्टर बोले हैं चालू मतलब देने, तो बहुत जोर उसको सर्दी लग गया था, इसके कारण उसको बुखार आ गया था, तो थोड़ा सा कम चेक कर हो गया, इसलिए मेरे मायू बेटू को ऐसा हो गया। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? चाबी खाना खिलाएंगे, रुको थोड़ा सा बैठो। तो आज से आई होप कंटिन्यू व्लॉगिंग जाएगा, शॉर्ट वीडियो जाएगा। मतलब इस वीक हम बिल्कुल भी एक्टिव नहीं थे, मेरा मूड नहीं कर रहा था, लेकिन अभी हम हो गए एक्टिव, अंदर से पता नहीं कैसा एनर्जी टाइप का आ गया है। और अभी से हम आप लोगों को प्रॉमिस करते हैं कि अच्छा अच्छा व्लॉग देंगे, क्योंकि मायरा का तबीयत खराब होता है हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और मूड बिल्कुल नहीं करता। आप विश्वास नहीं करोगे, तीन दिन से मायरा का तबीयत खराब था ना, तो तीन दिन हम बेड में ऐसे मतलब गिर गए थे कि मेरा ही तबीयत खराब था, जबकि हमको कुछ नहीं हुआ, पर हमको अच्छा ही नहीं लग रहा था, ना खाना बनाना था, ना कुछ, मतलब बिल्कुल कुछ भी नहीं कर रहे थे, जीरो। तो अभी हम एकदम रेडी शेडी गो हो गए। और अभी आप लोग देख रहे हो 10 बजे हम इतना मेकअप करके क्यों है, इसलिए है क्योंकि हम कुछ शॉर्ट्स बना रहे थे, मायरा इतना क्यूट लग रहे, मतलब मायरा को ड्रेसअप कर दिए थे, तो मायरा को फोटोशूट करवा रहे थे, तो सोचा क्यों ना हम भी रेडी होकर मायरा के साथ कुछ रील्स बनाया जाए, तो इसलिए हम रेडी हुए थे। पर अभी हम रिमूव नहीं करेंगे, क्योंकि अगर रात में दो तीन वीडियो बनाने का मूड करे इसलिए नहीं रिमूव करेंगे, बट सोने से पहले हम जरूर से रिमूव करके ही सोएंगे। और ये वाला जो दाग पता नहीं बहुत 2-3 महीना कम से कम हो गया, ये अभी भी ऐसे है, हम कुछ होम रेमेडी भी नहीं कर रहे हैं, और मतलब टाइम नहीं, लेकिन हम इसका डॉक्टर दिखाएंगे, क्योंकि अभी हमको बहुत ही ज़्यादा ऑड लग रहा है, कि हमको अभी लग रहा है मतलब बोरिंग हो गई ये चीज़ लेके, हम मतलब भरोसा करते थे ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं हो रहा है। अभी हमको लग रहा है ना ये दिखा लेना ही चाहिए, तो हम अभी डॉक्टर मतलब कोलकाता जाएंगे ना, क्योंकि फ्लैट के बारे में हमको एक बार जाना ही है। मेरा एक हाथ दर्द दे रहा, ओहो बहुत दर्द दे रहा मेरा हाथ, तो इसलिए हमको जाना है एक बार कोलकाता, तो कोलकाता जाएंगे ना तो हम मेरा स्किन डॉक्टर दिखाएंगे। तो आई होप, उम्मीद करते हैं उसके बाद 1 महीना टाइम हम रेगुलर अगर मेडिसिन वगैरह ले क्रीम वगैरह अप्लाई करें तो मेरा ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए अभी के लिए बहुत बकड़ कर लिए, तब तक हम मायरा को खिला देते हैं। उफ मेरा इतना दर्द दे रहा ना ये हाथ, हम क्या बताएं। वॉशिंग मशीन खराब हो गया था मेरा, तो इतना कपड़ा देख सकते हो, लेकिन आज सारा के सारा वॉश हो गया, लेकिन सब भींगा है, हमको बाहर सुखाने जाना पड़ेगा, लेकिन हम नहीं सुखाएंगे, सब मिलके सुखाएंगे क्योंकि उतना कपड़ा है, हम अकेले बहुत थक गए, सोचो इतना कपड़ा पड़ा था दो दिन, इतना भी है मेरा बेड में भी आधा पड़ा हुआ है, लेकिन अभी सब सुखा लेते हैं, उसके बाद मायरा को थोड़ा खाना खिला लेते हैं, उसके बाद आप लोगों से बकर करते हैं। वैसे कुछ करना तो है नहीं आज का काम, थोड़ा सा बातें ही करेंगे आज आप लोगों के साथ, तो चलो सब काम करने के बाद आप लोगों के साथ मिलते हैं।
तो सभी को गुड मॉर्निंग। कल बोले थे कि रात में व्लॉगिंग कंटिन्यू करेंगे, लेकिन मायरा को फिर से उल्टी हो गया था, मतलब उसका पेट में कुछ रह ही नहीं रहा है, तो उसने व्लॉगिंग नहीं किए थे। फिर हम सोचे थे मायरा को लेके सुलाए, उसको हम भी सो गए थे। उसके बाद अभी हम उठे हैं, उठे थे बहुत पहले, 2 घंटा हो गया, उठ के बेडिंग में थे, मायरा को थोड़ा सा दवाई वगैरह दे रहे थे। तो अभी हम क्या कर रहे थे पता है, हम अभी नायका से शॉपिंग कर रहे हैं। क्या शॉपिंग बाद में दिखाएंगे, जब आएगा ना तब दिखाएंगे, अभी नहीं दिखाएंगे। अच्छा अच्छा, और ये डायरी मेरा राज का डायरी है, इसमें हम सब कुछ, हमको डायरी लिखना पसंद है, तो अभी हम क्या डायरी लिखेंगे। मेरा जिंदगी तो ऐसे मस्त चल रही है, तो अभी ना हम मत करो कुछ, मत करो नहीं सीधा बैठ। डायरी लिखने का आपको भी आदत है? पहले खूब लिखते थे, और दूसरा नया कलेक्शन, मतलब डायरी का लॉन्ग डायरी, मेरे पास बहुत सारा वैरायटी में डायरी था। तो अभी शादी के बाद में हम लिखते थे, उसके बाद फिर बंद कर दिए थे, क्या जिंदगी में ऐसे बिजी हो गए, तो डायरी वायरी के। उसके बाद अभी हम जब ना थोड़ा सा खर्चा मेरा बढ़ रहा है, हम ये कर रहे वो कर रहे, लेकिन उतना भी अनलिमिटेड नहीं करना चाहिए, तो उसलिए ना हम डायरी रखते हैं। मेरे पास बहुत सारा डायरी भी है, हम उदयपुर भी गए थे ना, वहाँ से भी डायरी लिए है, आप लोग देखे ही हो, वहाँ पे मतलब डायरी का कलेक्शन जमा करना, वहाँ पे हिसाब लिखना, वही सब करते हैं अभी। तो अभी वही है, हम पता शेखर क्या भूल गए, हम तुमको बाजार तो भेजे थे सब्जी लाने, भूल गए, पानी पड़ने लगा, हमको लगा हम फंस गए। हाँ, अरे बीच में पड़ा था ना, देखिए अब आर्यन को भेजेंगे, अब आर्यन को भेजेंगे, उनको पास आएगी मैम। तो अभी हम सब्जी, गाड़ी में तेल भी भराना है, और मायरा भी गाड़ी में तेल भी भराना है, मायरा भी सो रही है। इतना कंफ्यूजन है ना, मतलब यहाँ का लोग ना सोचता है कि तुम लोग, हम लोग जो बंगाल में मछली डेली खाते हैं, तो यहाँ का लोग सोचता है कि तुम लोग डेली क्या मछली खाते हो, तुम लोगों को अच्छा लगता है डेली, लेकिन इन लोगों को पता नहीं कि मछली इतना है, मतलब 30 दिन का 30 अलग अलग मछली बनता है। मारा उठ जा रही है, तो अलग अलग होंगे, लेकिन यहाँ पे जो सब्जी होता है, सब्जी तो लिमिटेड ही होता है कि यही खाओ, मतलब नहीं बैगन कौड़ा फूलगोभी कटहल, मतलब एक ही, हमको डेली हम एक ही चीज़ खाते हैं, और हम लोग घर में 3 टाइम सब्जी बनता है, एक तो सुबह नाश्ते के टाइम, दोपहर में और रात में, मतलब 3 टाइम सब्जी खाना, तो मतलब पागल, मतलब बाजार में तो भेजते हैं, लेकिन क्या सब्जी लाना ये हम बहुत कंफ्यूज करते हैं। और थोड़ा सा बैकग्राउंड इग्नोर करना, क्योंकि बहुत मेसी सा पड़ा हुआ है, और बाहर बारिश हो रहा है, दिखा दो थोड़ा सा बाहर बारिश हो नहीं रहा। हाँ, अभी हो रहा है, अभी भी हो रहा है, रात में बहुत जोर बारिश हुआ, थोड़ा सा पहले भी बहुत जोर से हो रहा था, लेकिन अभी थोड़ा बारिश कम है, लेकिन हमको लग रहा फिर होगा ना, देख के लग रहा फिर होगा। तो हम लोग मायरा का बहुत सारा कपड़ा धुले हैं, हम लोग का भी धुले हैं, तो वही सब वो सब अभी तक नहीं सूखा ना, बाहर सोफा में पड़ा हुआ है ना, तो जो मायरा का कपड़ा ना वो तो सुखाना ही होगा। तो हम क्या किए ना, मेरा बेडरूम में मायरा का कपड़ा सुखा दिए, और जो बड़ा बड़ा कपड़ा है वो हम सोफा में ला के पूरा टाल करके रखे हैं, क्योंकि वो सुखाने की जगह नहीं है, बाहर बारिश हो रहा है। तो चलो देखते हैं क्या सब्जी मंगवाते हैं, और इसको देते हैं, इसको पता है, और एक सिगरेट के बाद बताते हैं, हम किसी की तरह नहीं बोल रहे, हम ऐसे नहीं, आप अभी लगा, आप देख सुनो, हम बता, ऑलमोस्ट बंगाली लोग का बॉडी लैंग्वेज सेम होता है, हम बताते हैं, हम वे ऑफ टॉकिंग का बात कर रहे हैं, तो बॉडी लैंग्वेज बोल रहे हैं, हो गया। तो बाबू बाथरूम गए हैं, हमेशा फोन लेके जाते हैं, ठीक है, आज लैपटॉप लेके गए हैं, शौक है भगवान, और दौड़ के चले गए जाते हैं कि कैमरा नहीं कर पाए, अगर निकलेंगे तो अगर हम लोग फोकस कर पाएंगे तो करेंगे। धुला कपड़ा, यहाँ पे टावल कर रहे, बाहर बारिश में पूरा भींग गया है, अभी तुमको जाना है। अरे राजा कैसे बैठे हैं, राजा साहब तो तुमको भी कहाँ जाना है पता है, उस ओम एक किसका है, मेरा है,
ये इसका है। हटो 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 हटो, पूरा गंदा करके रखने का तो आदत है। लो ये मेरा नहीं, जिसका भी अलग देना। अरे वो मेरा शर्ट, हम दोनों तो ऐसे ही हम लोग यही तो रूम है, सोफा। तुम दोनों का रूम सोफा है तो हम लोग यही दिन भर आपको मिलेंगे क्या? आर्यन चुपचाप एकदम हाथ में पकड़, कहाँ टांगेंगे उसके भाभी, बहुत कपड़ा है यहाँ। अरे उसको धोना भी है, अभी पहनेंगे एक बार, एक बार पहने, कहाँ उधर रखे, अभी पापा, अभी पहने। पापा को क्या बोलिए, पापा को हम पापा वाला रख देते, पापा वाला तो दोनों नहीं दे सकते क्योंकि मेरा पापा है। तो अभी बाजार क्या लाना, अरे तुम बताओ शेखर कि तुमको क्या। हम जानते हैं क्या लाना है, अभी सब्जी लाना है, भिंडी, परवल, और परवल चला है। हाँ आया परवल, हमको नहीं पता, हमको तो ये भी नहीं पता परवल किसको बोलता है। 20 रुपए किलो लेना है परवल का भाव देख रहा है। सुनो हम बता रहे हैं, चाबी तो हमेशा उधर टांग के रखना, आएगा तो टांग के रखना। हम बताते हैं, हम बताते हैं। तो अभी ना फ्लैश चालू हुआ, ठीक है, फ्लैश चालू हुआ, फ्लैश चालू हुआ तो हम इनको बोले कैमरा सेट रखो क्योंकि निकलेगा नहीं, जान जाएगा तो भड़क से चल जाएगा। हम लोग कैमरा रेडी, चाबी तो मंगा दी, चाबी तक बाहर नहीं निकल रहा। आज ही के निकालने वाले तक हम आप लोगों को प्रूफ देना चाहते हैं कि हम जो बोलते हैं वो सच है। भैया कैसा लगा बाथरूम, नेचर कॉलिंग विद इसको मक्खी। अरे फेसबुक पेज जो बनाया हमने तो सुबह सुबह खोला, उसमें मोनेटाइजेशन वाला लिमिटेड मार दिया था और बहुत जोर का लगा था और वॉशरूम तो मैं सोचा कि चलो जाते जाते 10 मिनट कर देता हूँ, फिर तो लैपटॉप खोलूँगा नहीं अभी थोड़ी देर के बाद। तो वही फेसबुक का मोनेटाइजेशन ऑन कर रहा था मैं, तो चला गया। वैसे मेरी आदत है मैं फ़ोन लेके जाता हूँ तो आज और हाँ, एक बात बता दे, मायरा का भी दांत उठ रहा है तो हम बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। मायरा का दांत उठ रहा है तो अभी जो भी हाँ, होगा उसका जो चल रहा है दांत के लिए हो रहा है, और अभी जो भी वो उसका बहुत कोई बाथरूम से मतलब दांत उठा तो नहीं भूखना पड़ता है बहुत किसी का, फिर उल्टी से तो मायरा को भी उल्टी और बुखार वाला हुआ है और बहुत कस के उसको ठंडा लग गया है, सर्दी हो गया है, बुखार सर्दी समझते ही हुआ, तो इसलिए हम बहुत ज्यादा टेंशन ले लेते हैं लेकिन ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो आई होप आज से हम आप लोगों को डेली व्लॉग दे क्योंकि हम एकदम एक्टिव नहीं थे मायरा की वजह से, क्योंकि हम थोड़ा डिस्टर्ब हो गए थे और इसी के कारण मेरा आईडी पे व्लॉग भी 2 दिन से नहीं छोड़ा था, एक दिन बाद छोड़ा था, लेकिन हम अभी एक्टिव हो गए डेली व्लॉग करने। आज आप क्या खाना चाहते हैं, हम आपका मर्जी का खाना बनाते हैं। बहुत बाबू उठा दी, बाबू उठा दी तेज बोल के, वो पहले से उठल था, पहले से नहीं उठी, अभी कोई और उठा था तो चिल्लाती, अब पहले से उठा फंस कर रहा था। चुप, झूठ नहीं बोलिए, यहाँ प्रूव हो गया, चुप, जस्ट शट अप। वो चाहती है कि हम उसके साथ सोए, अब हम काम कैसे करेंगे, 2 बार उसको सुलाए उठ गई, जब हम उसको पकड़ के सोए फिर हम सो गए। हम वो चाहते हैं कि हम उसके साथ सोए, नहीं तो उसके साथ कोई पकड़ के उसको सोए, तो तुम लोग तो अभी काम कर रहे हैं, इसको पकड़ के कोई नहीं सो सकते। कैसे चला था ले गई गोरा घोटा घोटा के चला, मेरे घर में एक वो क्यों का बाबू राव है, अगर आप लोग देखना चाहते हो तो बाबू राव को 5 बजे। तो अभी वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा लंबा हो गया, लेकिन हम मेरा बकर बकर नहीं बंद करने वाले, उसलिए आप लोगों को जाना पड़ेगा राहुल रोड मामपी में मेरा बकर बकर सुनने के लिए, ठीक है।
और आज हम एक कॉमेडी सोचे हैं जो कि आप लोग को मिलेगा कॉमेडी वर्ल्ड एमआर में। वो अभी तक शूट नहीं हुआ, शूट होगा, एडिटिंग होगा, उसके बाद पोस्ट होगा, बट आज ही पोस्ट होगा वो। हम इतना मतलब फर्स्ट काम करते हैं ना, आज ही हम वो वीडियो बनाएंगे कॉमेडी वर्ल्ड एमआर में और आज ही हम उसको पोस्ट करेंगे। और वीडियो थोड़ा सा कॉमेडी होने वाला है, अगर आप लोगों को देखना है तो कॉमेडी वर्ल्ड एमआर में जाके देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। कॉमेडी वर्ल्ड एमआर का वीडियो बने की कभी तक वीडियो बनाए भी नहीं, बनाएंगे, एडिट करेंगे, पोस्ट करेंगे। और इसकी बात वाला अगर देखना है तो आप लोग चल जाओ rahul.mamti में, मेरी हस्बैंड का चैनल में, ठीक है। तो हम ये बकर बकर इस पश्चात बंद करना चाहते हैं। हम आप लोगों का अनुरोध चाहते हैं, नहीं अनुरोध नहीं है, थोड़ा सा भूल बोल दी। तो अभी बंद करता है, फिर मिलेंगे rahul.mamti में। पता नहीं रात में कौन डोज मिला हमको, तो एनर्जी फुल हो गए ना। ऊ नहीं, अरे ऊ नहीं, चलो बाय बाय बाय।